महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है। अब तक राज्य में 232 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4676 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। मुंबई और पुणे जैसे शहरों को रेड जोन में डालकर सरकार ने यह कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। इसके बावजूद लोग लगातार कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियम तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस वाले भी अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं। कहीं उठक बैठक करवाया जा रहा है तो कहीं सड़क पर योगा करवाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित पुणे शहर की सड़कों पर मंगलवार को कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते दिखे तो पहले उन्हें पकड़ा गया और बीच सड़क पर योगा करवाया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें लॉकडाउन के नियम भी बताए। सजा के तौर पर उठक बैठक भी करवाई गई। पुणे से सटे बारामती में भी लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों को सजा देने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पकड़कर एक घंटा पार्क में बिठाया गया और पहले योगा करवाया गया और फिर सबसे माफी मंगवाई गई। सर्वजण देशवासी कोरोना सारख्या महामारी विरुद्ध लड़त आहोत, त्याच्याकरता शासनाने खूप कठोर निर्णय घेतलेले आहेत आणि लोक त्याचं पालन सुद्धा करत आहेत। अतिशय छोटी अशी जनता आहे ज्यांना अजूनही या गोष्टीचं गांभीर्य नाही आणि किरकोळ कारणासाठी घराबाहेर पडत आहेत। मॉर्निंग वॉकला काही लोक घराबाहेर पडत आहेत, इव्हिनिंग वॉकला घराबाहेर पडत आहेत, दुधाची पिशवी आणायची, विक्सची डबी आणायची तो कारण सांगून ती लोकं घराच्या बाहेर पडत आहेत। त्यामुळं ते जे चार पाच रस्ते या ठिकाणी येतात त्या परिसरातले सर्व सकाळी मॉर्निंग वॉकला येणारे जे लोकं आहेत त्यांना या ठिकाणी आणून समज दिलेली आहे। त्यांच्यावरती आम्ही नोटीस देऊन कार्यवाही करण्यात आलेली आहे आणि यापुढे जी माणसं जी लोकं अशा प्रकारे मॉर्निंग वॉकला इव्हिनिंग वॉकला किंवा किरकोळ कारणासाठी घराबाहेर पडणार आहेत किंवा काही कारण असताना वाहन घेऊन घराबाहेर पडणार आहेत त्या प्रत्येकावरती आम्ही गुन्हा दाखल करणार। ब्युरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज, महाराष्ट्र।